बीच सीजन में सीएसके की कैप्टनसी में हुआ था बड़ा बदलाव। जडेजा को रिप्लेस कर कैप्टन कुल ने संभाली चेन्नई सुपर किंग्स की बागडोर और इस फैसले ने जैसे बदल दी है सीएसके की तकदीर। और एक बार फिर चेन्नई के सबसे बड़े किंग ने साबित कर दिखाया है कि क्यों उन्हें कहा जाता है कप्तानों के कप्तान। तो आखिर कैसे एमएस के आते उठ खड़ी हुई सीएसके और क्या यहां से चेन्नई सुपर किंग्स दोहरा पाएगी 2010 का करिश्मा, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2022 के 46वें मैच में एमएस धोनी नई भूमिका में थे। वो 8 मैचों के बाद सीएसके की कप्तानी करने उतरे और बतौर कप्तान एमएस की वापसी धमाकेदार रही। अपने पहले ही मैच में धोनी ने सीएसके को यादगार जीत दिला दी। टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम माही के नेतृत्व में अलग ही रंग में नजर आई। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे ने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर डाली। गायकवाड़ ने 99 और कॉनवे ने नाबाद 85 रन ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे और पहले विकेट के लिए 182 रन बना डाले और सीएसके के लिए पहले विकेट के लिए एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप करी। हालांकि आईपीएल में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड 185 रन है और इसे तोड़ने से सीएसके की नई ओपनिंग जोड़ी सिर्फ 3 रनों से चूक गई। चेन्नई की शानदार शुरुआत के बाद टीम ने बोर्ड पर 20 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन जड़ दिए। कप्तान धोनी ने अपनी पोजीशन भी बदली और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने पहुंचे, लेकिन एक चौके की बदौलत 8 रन बनाकर आउट हो गए। पर एक सपाट विकेट पर सीएसके की बॉलिंग यूनिट ने 203 रन डिफेंड करने में कामयाबी हासिल की। सीएसके की ओर से मुकेश चौधरी ने धमाकेदार गेंदबाजी कर सनराइजर्स के बल्लेबाजों की हवाइयां उड़ा दी। एसआरएच का पहला विकेट 58 रन पर गिरा। चौधरी ने 6 ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा को 39 रन और राहुल त्रिपाठी को 0 पर आउट कर मुकेश ने सीएसके को बैक टू बैक ब्रेक थ्रू दिलाई। इसके बाद मुकेश 18वें ओवर में लौटे और एक बार फिर चौथी और छठवीं गेंद पर विकेट चटकाकर शशांक सिंह और वाशिंगटन सुंदर को पवेलियन भेजा। हालांकि अंतिम ओवर में वो काफी महंगे साबित हुए, जहां निकोलस पूरन ने उन्हें 24 रन जड़ दिए। पूरन 33 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेल अकेले अंत तक लड़ाई करते रहे, पर दूसरे छोर पर उन्हें कोई साथ नहीं मिला। सेंटनर ने 3 ओवर में 36 रन देकर एक और ड्वाइन प्रिटोरियस ने भी 4 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट निकाला और सीएसके ने एसआरएच को 189 रन पर रोक मुकाबले को 13 रनों से जीतकर हार के सिलसिले को तोड़ने में सफलता हासिल की है और अपने पहले करो या मरो के मुकाबले को जीत के साथ खत्म करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि अभी भी चेन्नई के लिए आगे की राह काफी मुश्किल है। धोनी के धुरंधरों को अगले प्लेऑफ में पहुंचना है तो 2010 के इतिहास को दोहराना होगा। दरअसल वहां भी सीएसके ऐसे ही हालात से गुजर रहा था। तब उन्हें आखिरी के 5 में से 5 मुकाबले जीतने थे और चेन्नई एक्सप्रेस ने ये करिश्मा तब कर दिखाया था। इस सीजन भी चेन्नई उन हालातों में घिरा हुआ है। सीएसके को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 5 मुकाबले जीतने हैं और इस बार भी एमएसडी को ही ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अपने करिश्माई कप्तानी से चेन्नई तख्ता पलट कर सकें और यहां से भी डिफेंडिंग चैंपियंस अपने लेगेसी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एमएस धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स यहां से पलटवार करने में कामयाब हो पाएगी? क्या सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।